ट्रक रेस्टोरेंट्स हैं या जो आम ढाबे जो होते हैं उसमें तो बाहर लोग बैठते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब बंद हो तो उसके अंदर इस वक्त हम फासले चाह रहे हैं सब करें ताकि करीब ना आए और वहाँ से रेस्टोरेंट से ये वबा ना फैले। स्कूलों का हमने फैसला किया है कि हम एक हफ्ता और देख रहे हैं। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर जब से स्कूल खुले हैं कि वहाँ कितनी फैल रही है, तो एक हफ्ता हम और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे, यानी गर्मियों की सिर्फ एक महीने की छुट्टी कर देंगे और सर्दियों की बढ़ा देंगे। वो अगर वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे एक हफ्ते के बाद कि क्या अगर उससे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। आपसे इसके अलावा तो आखिर में मैं फिर से ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा इस मुल्क के लिए इम्तिहान है, सारी दुनिया के लिए इम्तिहान है, और अगर हम सब ने मिल के ये जो अब वक्त आ रहा है, ये सर्दी आ रही है, जिस तरह हमने पहले एक कौम ने मिल के एहतियात की थी, SOPs के ऊपर चले थे, अगर हम फिर कर गए तो इंशाल्लाह हम अपने लोगों को की जानें भी बचा लेंगे और अपने कारोबार और अपनी मईशत को भी बचा लेंगे ताकि बेरोज़गारी भी ना बढ़े पाकिस्तान में। अगर हम एहतियात कर गए तो हम इसको रोक सकेंगे, स्लो कर सकेंगे। जिस तरह पहले आप सब ने मिल के, सारी कौम ने मिल के, जैसे हमने एहतियात की थी पहले और हम बच गए, उसी तरह अब भी वो टाइम आ गया। अगर SOPs, नंबर वन SOPs ये है कि ये जो मास्क है ये सबसे आसान चीज़ है, पब्लिक में जिधर भी लोग जमा हो उधर अगर ये मास्क पहन ले, हम सब मास्क पहन लें, इससे सारी दुनिया का तजर्बा ये है कि बहुत कम केसेस फैलते हैं, यानी आप इसकी जो फैल है, जो जिस रेट पे ये फैलती है वबा, वो बड़ा स्लो डाउन हो जाती है। हमने सिर्फ इसको स्लो डाउन करना है, फैलनी तो इसने है, लेकिन अगर हम इसकी रफ्तार आहिस्ता कर दें, स्लो कर दें, तो इससे होगा क्या कि हमारे अस्पतालों पे प्रेशर भी पड़ेगा। हमें असल मसला ये है कि अगर अस्पतालों पे प्रेशर पड़ गया और सारे भर गए और वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया जो एक दफ़ा जून में पड़ा था, तो फिर मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा, और खुदा ना खास्ता वो हालात हमने देखे हैं जो बाकी दुनिया में हम देख रहे हैं, यूरोप में और ये जो हिंदुस्तान में हुआ। इसलिए तो हमने आज कई फैसले किए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सब समझ जाएँ कि ये है टाइम इन फैसलों का और इन फैसलों पर अमल करने का। ये सिर्फ और सिर्फ हम कामयाब पहले हुए थे क्योंकि कौम ने हमारा पूरा साथ दिया था, गवर्नमेंट और कौम ने मिल के मुकाबला किया था और अल्लाह का शुक्र है हम बच गए थे। तो अब वही टाइम आ गया, आप सब ने आने वाले दिनों में वही एहतियात करनी है। तो नंबर वन तो मैं ये मास्क, ये जितना भी जिधर भी पब्लिक में निकले ये मास्क पहने। नंबर दो कि हमें पता है कि ये जो